राजनगर में कांग्रेस समर्थक सलमान की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, मैं धरने से उठने वाला नहीं हूं। दिग्विजय सिंह ने थाने के बाहर रात बिताई और टेंट के नीचे खाट पर ही सो गए। शुक्रवार को छतरपुर जिले के राजनगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान कांग्रेस समर्थक सलमान खान की मौत हो गई थी। आरोप है कि राजनगर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अरविंद पटेरिया और उसके समर्थकों ने सलमान के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिग्विजय सिंह हजारों समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। रात में दिग्विजय सिंह टेंट के नीचे खाट पर ही सोए। धरना के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं अपने परिवार को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, मैं धरना से नहीं उठूंगा। दिग्विजय सिंह बोले, थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। अब आरोपी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? दिग्विजय सिंह ने कहा, सलमान ने कांग्रेस के लिए शहादत दी है। मैं सलमान के परिवार के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस पूरे परिवार को गोद लेगी। बात यह है कि रात को, परसों रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी बीजेपी की, जो अवैध धंधे कर करके इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो समझते हैं कि हम मतदाता भाइयों और बहनों को पैसा देके उसको खरीद लेंगे। और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने, स्वाभाविक है कि जब पता लगा कि ऐसा बांट रहे, जाके उनको देखा, कोई बात नहीं थी, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली, निकलो। लेकिन वो निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल, अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने मां बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो ना निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी बड़ी। इनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा शहीद हो गया। कांग्रेस खड़ी है आपके सामने, बिल्कुल निश्चित तौर पर लेंगे, पूरे परिवार को गोद लेंगे हम। ये सब बातें प्रशासन से हम लोग करेंगे। मैंने तो मांग, कल से मैं मांग कर रहा हूँ एसपी से, कलेक्टर से मेरी बात हुई, नामजद रिपोर्ट है और आपने एफआईआर में उसको हत्या के रूप में उसको दर्ज की है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जो दो अपराधी हैं वोट डालने आ रहे हैं, उन पर आज तक आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? और कोई होता तो अब तक उनके मकान घूम रहा है, अभी तक और कोई होता तो बुलडोजर कल गए होते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।